और दूसरी बात यह थर्टी फाइव क्वेश्चन का अगर लास्ट थ्री का वेटेज आप देखेंगे तो तीन तीन सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं इफ यू टॉक अबाउट द वेटेज तो लास्ट के दो सालों में तीन तीन सवाल पूछे गए साल पूछेगा दो, -दो, दो सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है और अगर सवालों के डिफिकल्टी लेवल की बात करें <coughs> तो कहीं ना कहीं आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आप डेफिनेटली कर पाएंगे मैं कह रहा हूँ कि सीरीज जो आप देख रहे हैं जे एडवांस की आप उसको कंप्लीटली फॉलो करें एक एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से

तो इस बात का ध्यान रखिए कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही फॉल्स आता है, वहां गलती हो जाती है। तो अंडरलाइन कर ले ताकि हमें याद रहे के हाँ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस मुझे मुझे माइनस वन माइनस आयोटा इसका आर्ग्यूमेंट बनाना है इसका आर्ग्यूमेंट अगर मुझे बताना है तो आप देख सकते थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है माइनस पाई प्लस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा का मतलब माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स के अंदर मॉड ऑफ वाई बाई एक्स यानी अगर इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स के अंदर ऑफ माइनस वन अपॉन माइनस वन एक्स और वाई का वैल्यू दोनों सेन और माइनस वन यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू आ जाएगा अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात करूं तो यह आपके पास माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ वन यानी माइनस पाई प्लस का पाई वाई फोर इफ यू टेक एल्सियम इट विल बी माइनस थ्री पाई फोर

ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है टू पाई है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू मुझे हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन और प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू यह ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये चीज से ये चीज कैंसिल हो गई ये और ये कैंसिल हो गए तो टू के पाई का मल्टीपल आ गया इसका मतलब वो बिल्कुल सही बात लिखी गई है

इन दोनों के बीच का जो आर्गूमेंट डिफरेंस है 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 वो बीटा बीटा तो तो अल्फा किसके बराबर बराबर पाई के तो मुझे होगा दूसरी बात ये आपका क्या होगा भाई साइक्लिक साइकिलेट क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू किसके बराबर है पाई के बराबर है तो यहां पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा जेड नहीं जेड स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेगा इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो गया क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है तो इस सवाल का सही जवाब होगा बच्चों ए बी एंड डी इट इज क्लियर टू उस तरह का ध्यान कि आर्ग्यूमेंट अगर इस तरह का आपको दिखाई देता है तो किस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है किस तरह से डायग्राम बनाना है राइट लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल क्या है बच्चों अगला सवाल है लेट जेड बार जे एडवांस दो हजार बाईस में सवाल पूछा गया लेट जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड

प्लस वन अपॉन जेड का स्क्वायर जेड का कॉन्जुगेट कितना है आर एक पावर आयोटा माइनस थीटा है ना इस पूरे का स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये कितना दिखा हुआ है देखो जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर e की पावर आयोटा थीटा का मतलब अभी मैं स्क्वायर ही कर देता हूं फिलहाल के लिए आर e की पावर आयोटा थीटा इस पूरे का स्क्वायर सही बात है

e की पावर आयोटा टू टीटा ये भी ऊपर लेके आ जाएंगे हम ध्यान से देखिए पे तो इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा टू थीटा और सही बात है ये इस तरह से दिखाई देगा अब हमें क्या करना है है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड जेड मॉड जेड का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा बताइए इस बोला गया इसका रियल और इमेजिन्री पार्ट इंटीजर है तो मैंने इसको बोल दिया ए प्लस आयोटा बी के बराबर जहां पे ए और बी आपके क्या होंगे इंटीजर होंगे सही बात है अब आपको क्या करना है देखिए मैं यहां पे मॉडलस ले लू अब दोनों तरफ अगर मैं मॉडलस लूंगा तो ई e की पावर आयोटा थीटा कुछ भी हो उसका मॉडल वन ही आता है तो इसका मैग्निट्यूड यानी आर स्क्वायर प्लस वन बाय आर स्क्वायर और इसके मैग्निट्यूड की बात करेंगे तो ए प्लस आयोटा बी का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर पे करना है तो आगे आर स्क्वायर प्लस का वन बायर स्क्वायर स्क्वायरिंग कर लो इसका और ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्र राइट इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो आर की पावर फोर प्लस वन अपॉन आर की पावर फोर प्लस का टू टाइम्स टू आ जाएगा ये एंड टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्ट प्लस टू आर की पावर एट माइनस अगर मैं आर की पावर फोर कॉमन निकालू या मत निकालू माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र और ये जाएगा माइनस का टू इंटू आर की पावर फोर प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो चेक करें R की पावर एट वैसा का वैसा ये माइनस में आया माइनस कॉमन निकाला पे भी R की पावर आ रहा है तो ए स्क्वास नहीं क्वाटेटिव बन रही है सॉरी तो आर की पावर फोर तो का वैल्यू क्या होगा माइनस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क् माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुट बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए इंटू सी अपॉन नीचे कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में टू इंटू ए का वैल्यू वन है अगर आप यहां से आर को देखेंगे तो पावर वन बाय फोर लगेगी जरा ऑप्शन को देखते हैं इतना आसान नहीं है एनालाइज करना दूसरी बात ए और भी इंटीजर है इस बात का भी ध्यान रखना है देखिए पहले ऑप्शन को ध्यान से देखिए पहले ऑप्शन में डिनोमिनेटर में टू आ रहा है सही है यहां पर डिनोमिनेटर में टू आ रहा है पावर इसकी कितनी जाएगी वन बाय फोर जाएगी बिल्कुल सही बात है अब ये ऑब्जर्व करो यहाँ फोर्टी थ्री लिखा हुआ है और यहाँ थ्री रूट टू जीरो पहली बात समझ रहे ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा यहां से A square plus B square का वैल्यू आ जाएगा फोर्टी फाइव के बराबर अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोर्टी फाइव है तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस थ्री ना, 3, है।, है ना, ना 3 9, प्लस माइनस थ्री कॉमा प्लस माइनस सिक्स सही बात है ए और बी इंटीजर हो सकते हैं ना देखिए ना थ्री का स्क्वायर नाइन थर्टी बिल्कुल सही बात है यहाँ पे तो क्या मिलेगा की पावर फोर आर की पावर फोर आपको मिल जाएगा देखिएगा ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र माइनस टू उसका वैल्यू फोर्टी थ्री है प्लस माइनस क्या मैच कर पाएगा बाकी का पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी माइनस टू यानी फोर्टी थ्री है तो ये हो जाएगा फोर्टी थ्री का स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा फोर मैं टू का स्क्वायर लिख लू ठीक है और डिवाइड बाय टू आ जाएगा ये हो फोर्टी थ्री प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यह हो जाएगा फोर्टी थ्री प्लस टू फोर्टी थ्री माइनस टू यानी फोर्टी वन इन टू फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू तो आर की पावर फोर मुझे मिल जाएगा फोर्टी थ्री प्लस माइनस फोर्टी uh, फाइव को लिख सकते हैं थ्री लिख सकता हूँ तो आगे बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ यहाँ पे डिनोमिनेटर में फोर आ रहा है अगर डिनोमिनेटर में फोर आ रहा है तो वॉट हैपनिंग लेट सी मैं आपको एक ऑप्शन और चेक करके देता हूँ अगर डिनोमिनेटर फोर आ रहा है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा देखिएगा आप आर की पावर फोर को

प्लस का 8b प्लस का 7c और ये किसके बराबर होगा ऑबवियस सी बात है जीरो के अगला इक्वेशन मिलेगा 9a प्लस का 2b प्लस का 3c ये भी किसके बराबर होगा जीरो के थर्ड इक्वेशन मिलेगा 7 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c डेट विल बी इक्वल टू जीरो कहने का मतलब a plus b plus c 0 अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो a plus b plus c 0 हमें 2a plus b plus c का वैल्यू 1 दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं इस वाली इक्वेशन को तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस का बी ए प्लस का बी प्लस का सेवन टाइम्स टू जीरो सी का मिल जाएगा ए प्लस बी माइनस का सेवन एज इक्वल टू जीरो मतलब बी जो है वो सिक्स टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा अगर बी सिक्स टाइम्स ऑफ ए आ गया

यहां से आप देख सकते हैं कि एट ए माइनस सेवन ए ए का वैल्यू वन आ गया अगर ए का वैल्यू वन आ गया बच्चों तो का टू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना सॉरी सेवन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो इसका जाएगा सेवन ए प्लस का बी बी का वैल्यू सिक्स आ रहा है और प्लस का सी वो माइनस सेवन आ रहा है तो

A बराबर टू दिया था माइनस सेवन टाइम हो जाएगा right? सही बात है ना भाई हाँ, देखो ना यहां देखो आपको अभी दिखा के लाए कि ए का वैल्यू जो है वो तो ए रहेगा बी जो है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है मैट्रिक्स इक्वेशन तो बी का वैल्यू सिक्स ए होगा और सी का वैल्यू माइनस सेवन ए होगा इसका मतलब क्लियर है

तो ये हो जाएगा थ्री ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर और प्लस का वन वाई बिकॉज ओमेगा की हो जाएगा. यहां से थ्री कॉमन निकालू तो वन प्लस प्लस इज द वैल्यू का सही जवाब होगा माइनस टू के बराबर एंड दैट इज ऑप्शन हम जानते वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है जीरो के बराबर तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन आएगा करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन ही था आंसर लेट्स सी

सही बात है क्योंकि ए का वैल्यू अगर तो हो गया बीटा अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन दिस तो हमें वैल्यू निकालना है इसका देखिए सबसे पहले बात सुनिए एन का वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है मुझे सॉल्व करना है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा की होल पावर एन अगर मैं इनको जीरो पुट करूंगा तो ये वन बनेगा इनको वन पुट करूंगा तो वन अपॉन अल्फा प्लस बीटा बनेगा टू पुट करूंगा तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा आई है वैल्यू ऑफ दिस अपॉन वन माइनस अल्फा प्लस बीटा डिड बाई अल्फा इंटू बीटा अब अल्फा बीटा इसकी रूट इस इक्वेशन के अगर अल्फा बीटा इसके रूट है किसके रूट है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो इसके रूट अगर आपके अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए के बराबर और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आएगा सी बाय ए के बराबर माइनस का मतलब बी का वैल्यू सिक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिक्स का वैल्यू वन है टर्न आउट टू बी माइनस सिक्स का वैल्यू आपके पास कितना है सी का वैल्यू माइनस है तो यह आ जाएगा माइनस सेवन डिवाइड आउट टू बी माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस सिक्स के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो माइनस सेवन के बराबर है माइनस सिक्स और माइनस सेवन हम पुट यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन माइनस सॉरी दिस विल बी वन माइनस ओके दिस विल बी वन माइनस अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस सिक्स एंड दिस इज माइनस सेवन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस सेवन

कई बार ऐसा होता है कि बहुत लेंदी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं पर बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं तो लेंथ से मत डरिए एक बार एनालाइज करने की कोशिश कीजिए क्या मैं इसको कर पाऊंगा डाटा को लिखिए जब हम हमारे सामने डाटा लिखेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी फिर वो सवाल सॉल्व हो जाएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये सवाल जो है वो बोनस हुआ था क्योंकि इसका आंसर इंटीजर टाइप नहीं आ रहा था और ये इंटीजर टाइप में पूछा गया था रीजनविंग में आपको बता देता हूँ सवाल लिए बता देता हूँ

y का वैल्यू आप देखोगे तो वो a टाइम्स वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्कवायर आ जाएगा यानी y इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस ओमेगा की बात करें तो वो हो जाएगा हाफ प्लस आयोटा रूट थ्री बाय अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन बता रहा हूं और ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट थ्री बाय टू तो हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया और आयोटा रूट थ्री बाय टू आयोटा रूट थ्री बाय टू तो आयोटा रूट थ्री हो जाएगा तो वाई हो जाएगा ए इंटू वन प्लस रूट थ्री आयोटा सिमिलरली अगर आप जेड भी कैलकुलेट करेंगे ना तो वही एक कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा स्क्वायर प्लस, प्लस यानी तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर की बात करेंगे तो नाइन ए स्क्वायर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा भाई सिंपल सी बात है फोर ए स्क्वायर हो जाएगा होगा

इसको लिख सकते हो ओमेगा बराबर ई की पावर आयोटा पाई बाई सिक्स लिख लू मैं चलो ऐसे लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है अगर एन का वैल्यू वन टू थ्री फोर है यानी एक तरह से ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा ई की पावर आयोटा स्क्वायर कर देंगे तो पाई बाई थ्री आ जाएगा अगर मैं ओमेगा क्यूब निकालूंगा डब्ल्यू क्यूब ई की पावर आयोटा क्यूब कर दिया मैंने तो पाई बाई टू आ जाएगा इस तरह से यह चलता जाएगा ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है H1 है Z, अच्छा एक बात और आप ध्यान से देखिएगा इन सब के आपके मैगनीट्यूटे आप ओमेगा W निकालो W की पावर टू निकालो W की पावर थ्री निकालो इन सबका मैग्नीट्यूड वन आएगा अगर इन सबका मैग्नीट्यूड वन आएगा ऑब्वियसली बात है ना एक e पावर आईटा थीटा टाइप के तो कॉम्प्लेक्स नंबर है सारे तो उनका मैग्नीट्यूड तो हमेशा वन आएगा यानी एक सर्कल प्लाई करेंगे एक सर्कल बनाते हैं ध्यान से देखिएगा अब सुनिए ध्यान से कि पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर पे, यहां पे। कितना है? थर्टी सही बात है। अगला फिर बढ़ जाएगा कितने से बढ़ जाएगा फिर अगला फिर थर्टी से फिर बढ़ जाएगा मतलब यहां पे, आ जाएगा इस जगह पे ऐसे चलता रहेगा ठीक है ना और इधर भी जाओगे तो माइनस थर्टी हो जाएगा मतलब इस तरह से चलता रहेगा समझ रहे आप बात को थर्टी से देखना बात करूं

तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है? पहले ये भी देखो कि जड़वन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इंटरसेक्शन लेना है इंटरसेक्शन के साथ पी आपके ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है सही बात है पी आपके ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है बिल्कुल सही बात है अगर पी आपके ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है और क्या बोला गया यहां पे H1 P का इंटरसेक्शन H1 से P का इंटरसेक्शन H1 से

रियल पार्ट ऑफ जेड वन बाई टू से बड़ा मतलब इस तरफ जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उनका इंटरसेक्शन तो आएगा, आएगा इस तरीके से रियल पार्ट माइनस हाफ से जाएगा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे आ जाएगा तो एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल थर्टी होगा अगर ये एंगल थर्टी होगा तो ये पूरा एंगल डेढ़ सौ होगा अगर ये पूरा एंगल डेढ़ सौ के बराबर है

के एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं जैसे एक यहां, यहां पॉसिबिलिटी क्या तो क्या होगा यहां पे अब मुझे बताइए कितना ये वाला एंगल, ये एंगल कितना आएगा सोचिए पूरा एंगल डेढ़ सौ है इसमें से तीस कम कर देंगे तो एक सौ बीस तो कम से कम एंगल एक सौ बीस आएगा कम से कम मिनिमम एंगल बता रहा हूं मिनिमम एंगल एक सौ बीस के बराबर आएगा

Getting my point. Z2 की बात कर रहा हूं. Z2 ये, real part Z है। और ये क्या बता दोनों के बीच में एंगल ऑफ जेड वन और जेड अब येड वन है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया एक सौ बीस अब इसी को जेड वन ले लो और इस एंगल को पूरा मैच करा दो यहाँ पे तो ये पूरा एंगल किसके बराबर आएगा अब 120 से कम नहीं हो सकता ये तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्लियर सबको सवाल सवाल समझ में आ गया होगा। इसका सवाल का आंसर है है। है सी और डी के बराबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट दे रखा है मुझे। intersection, intersection, है, 4 से है. अगर मैं की बात करूं तो उसमें दिया सर्कल इसका सेंटर 0, 0 है, रेडियस

तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस का रूट थ्री प्लस का वाई प्लस रूट थ्री एक्स से बड़ा आना चाहिए एस थ्री रीजन कह रहा है कि real part Z का है ना पॉजिटिव आना चाहिए मैं सारी बातों को एक साथ लिख लू तो बेटर रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज लेस 16 यही है पहला इसको अपने क्या नाम दिया एस वन

वन माइनस थ्री आयोटा माइनस जेड की कैसे निकालेंगे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस uh, को एडजस्ट कर लो तो जेड माइनस वन प्लस थ्री आयोटा ऐसे लिख सकता हूं बोलो जेड माइनस वन प्लस थ्री आयोटा और अगर इसको और फर्दर देखोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास जेड माइनस वन माइनस थ्री आयोटा यानी जेड और वन कॉमर माइनस थ्री है ना जेड और 1, 3 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा? चलिए देखते हैं। अगर मैं डायग्राम पहले सर्कल आएगा एक्स स्क्वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन हम बना लेते ये आपका फोर कॉमा जीरो होगा गेटिंग माई पॉइंट क्योंकि रेडियस फोर है यह जीरो एंड दिस विल भी माइनस फोर कॉमा जीरो माइनस का फोर रियल पार्ट पॉजिटिव है है मतलब इधर पोर्शन की बात चल रही है। और माइनस आप तो एक काम करो सिंपल सा डायग्राम बनाओ का y का बाद में देखेंगे 3X, X को करूंगा, तो y और दूसरी बात ये, ये लाइन इस, इस तरह से आएगी स्लोप नेगेटिव है अब हमें यह पता लगाना है कि अबव वाला पोर्शन होगा तो बिलो वाला पोर्शन होगा तो कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो सपोज करो मैंने फोर कोमा जीरो पुट कर लिया इसके अंदर जैसे ही मैंने फोरकॉमा जीरो पुट किया भाई हमें क्या इक्वेशन मिल रही है हमें चाहिए वाई प्लस रूट थ्री एक्स ये पॉजिटिव आना चाहिए जैसे हमने फोर कॉमा जीरो पुट किया पॉजिटिव आ रहा पर जीरो माइनस फोर पुट करते नेगेटिव आ जाएगा तो बिलो वाला पोर्शन होगा अब वाला पोर्शन होगा रियल पार्ट ऑफ साइड कैसा है पॉजिटिव है यानी जिस रीजन की बात की जा रही है हमसे जिस रीजन की हमसे बात की जा रही है वो पूरा का पूरा रीजन ये है Clear everyone? अब हमें क्या बताना कि Z का माइनस थ्री से ये है, है, है तो 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 कहीं कहीं पे 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 आएगा। आएगा ये ये क्योंकि तो का value तो है और y का और अच्छा इसका minimum distance निकालना इस रीजन से इस रीजन से मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा यही तो आएगा जेड इस पूरे रीजन में है तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे ये जो लाइन है आपके पास ये रूट थ्री एक्स प्लस टू जीरो इसका डिस्टेंस निकाल लो वन का माइनस थ्री से डेट इज द आंसर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा रूट थ्री इन टू वन माइनस का वाई की जगह थ्री अपॉन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा मॉड के अंदर अब कैसे भी लिख लो इसको थ्री माइनस डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये आ जाएगा टू के बराबर थ्री माइनस डिवाइडेड बाई टू दैट विल बी द ऑप्शन और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर विल बी सी सी एस मतलब समझ आपका. S क्या था? तीनों का इंटरसेक्शन था तो इसका एरिया बताना क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं खुद से क्या आप खुद से इसका एरिया निकाल सकते हैं बिल्कुल दो एरिया को ऐड ही तो करना है बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल कितना होगा ये वाली लाइन जो है यह है, है वाई इज इक्वल टू तो माइनस रूट थ्री एक्स और ये तो क्वार्टर सर्कल का एरिया हो गया रेडियस फोर के बराबर है और ये एरिया निकालने के लिए ये एंगल चाहिए तो आई थिंक एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा क्या कैसे निकालते हैं थीटा डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी इन टू में पाई आर स्क्वायर आप कर दीजिए और प्लस का पाईआर स्क्वायर बाई फोर कर दीजिए आपको एरिया मिल जाएगा ये एंगल कैसे निकालेंगे बताइए ये एंगल कितना होगा सोचिए, अगर इस पूरा एंगल की बात की जाए ये एंगल कितना डिग्री होगा बात है, होगा। तो वन बाई सिक्स इंटू में पाई इंटू मैटी प्लस का pi ये, my, pi ka, ये हो जाएगा फोर पाई ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास देख लीजिए आठ बार कैंसिल हो जाएगा और ये तीन आ जाएगा

सिंपली सॉल्व हो जाता करें इस सवाल को कैसे करते बताइए हाउ टू सॉल्व भाई बहुत सिंपल है ए बी सी बिलोंग्स टू आर है यहाँ पेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z हमें दे रखा कितना प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी टी टी नॉट इक्वल टू जीरो और यहाँ पे देखिए ए और बी जीरो नहीं है ध्यान रखना मतलब उस सवाल के ऊपर तो एस कॉमा मोबाइल लाई ऑन देखिए

ए माइनस आयोटा बी टी स्क्वायर तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर वाई का वैल्यू आ जाएगा माइनस आयोटा आयोटा नहीं लिखेंगे कंपेरिजन कर रहे हैं इसलिए वाई का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा वाई का वैल्यू आ जाएगा मेरा बराबर माइनस का बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर देखिए

रिप्लेस कर कि वो मुझे टी नहीं चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू हो जाएगा एक्स बाई ए दिस विल बी एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स बायट इज इक्वल टू जीरो हमारे सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा अगर ये सर्कल का इक्वेशन आ रहा है तो इसका सेंटर साफ साफ दिखाई दे रहा है वन बाई टू ए कॉमन जीरो आएगा सही बात है और रेडियस कितनी आ जाएगी रेडियस वन बाय टू आ जाएगी सही बात है रेडियस कितनी आएगी 1 बाई टू ए के बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी से यानी पहला ऑप्शन तो मेरा सही हो जाएगा सर्कल विद रेडियस 1 बाई टू एंड सेंटर 1 बाई टू ए कॉमा जीरो सर्कल ये गलत हो जाएगा द x एक्सिस फॉर a नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू जीरो देखिए ध्यान से अगर मैं b को जीरो पुट कर दू तो क्या होगा जैसे मैंने यहां पे b को जीरो पुट कर दिया जैसे ही मैंने इस b को जीरो पुट किया तो वाई बराबर आ गया और वाई बराबर का मतलब एक्स एक्सिस क्या ये सबको क्लियर है बात

लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल के अगला सवाल और बेहतरीन सवाल लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ z माइनस टू प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव यहाँ पे मॉड ऑफ z माइनस टू प्लस आयोटा आएगा इसका मैग्नीट्यूड ये ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है रूट फाइव इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट इज सच दैट इसका वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए और ये दिया हुआ है इस तरह से पहले इसको कंसीडर करो अगर मैं z नॉट को बोल दूं कि ये x नॉट प्लस आयोटा y नॉट है

और ये हो जाएगा प्लस का आयोटा वाई नॉट और ये हो जाएगा प्लस का टू आयोटा इस तरीके से आयोटा वाई नॉट से आयोटा वाई नॉट कैंसिल हो गया एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया ये आपका बनेगा फोर माइनस टू टाइम्स एक्स नॉट डिवाइडेड बाय टू आटा वाई नॉट और प्लस का टू आयोटा टू से टू कैंसिल कर लेते हैं दिस विल बी टू माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय आयोटा अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो वाई नॉट प्लस वन आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो हो आयोटा में टू माइनस का बा अब, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि नॉट और वाई नॉट का वैल्यू क्या है क्योंकि या तो आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू आएगा या फिर माइनस पाई बाई टू आएगा इतना कंफर्म हो चुका है क्योंकि अगर यहाँ पे तो रियल पार्ट है ना अगर ये प्लस का आयोटा टाइम्स बन गया

अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर होगा टू कॉमा सॉरी माइनस कॉमन निकाला ना जेड माइनस टू प्लस होगा टू कॉमा कितना होगा टू प्लस आयोटा जेड माइनस टू प्लस आयोटा यहाँ जेड माइनस टू प्लस आयोटा है यहाँ पे तो ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो टू माइनस आयोटा आएगा ठीक है दिस विल बी टू माइनस आयोटा दिस विल बी टू माइनस आयोटा तो टू कॉमा माइनस वन यहां पे कहीं पे और सर्कल जो होगा से पास करेगा इस तरीके से सर्कल यहां से पास करेगा अब सर्कल अगर यहां से पास कर रहा है टू कॉमा माइनस वन से जेड नॉट मान लेते अच्छा वन कॉमा जीरो का होगा अब हमें देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा जब जेड नॉट माइनस वन जो है वो मिनिमम

तो नॉर्मली मुझे देखना पड़ेगा जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए कौन कौन से पॉइंट वन कोमा जीरो इसको जेड नॉट बोल रहा हूं और सेंटर एक ही लाइन पे आ जाए तो इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आएगा जेड नॉट यहां पर भी नहीं आ सकता यहां भी नहीं आ सकता और जेड नॉट कौन है मेरे पास Z नॉट है मेरे पास एक्स नॉट प्लस तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि एक्सनॉट का जो वैल्यू है वो वन से छोटा आएगा क्योंकि उसको इस तरफ होना पड़ेगा तीनों एक ही लाइन आने चाहिए और थिंग इज हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर होगा ठीक है तो आप देख लीजिए बस यहां से है ना वाई नॉट पॉजिटिव आएगा अब यहां से ऑब्जर्व कर लीजिए कि इसका वैल्यू क्या होगा अगर एक्स नॉट का वैल्यू वन से छोटा है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है वाई नॉट का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है यानी ये आयोटा ही आएगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं

और Z not दे रखा तो आपको बताना है कि मॉड ऑफ अल्फा किसके बराबर आएगा देखिए करने के दो तरीके होंगे जैसे सर्कल को अगर आप लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा हुआ है तो आप कैसे भी कर सकते हैं जैसे अल्फाइक कराया जेड की जगह पे अल्फा पुट किया और यहाँ पे जेड की जगह वन अपन अल्फा बार पुट किया दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो मॉड का स्क्वायर बनेगा दैट इज जेड इन जेड बार तो दो इक्वेशन बनेगी एक तो उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर्कल बना लू मैं अगर आपके सामने लेट मी ड्रॉ सर्कल अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से तो सर्कल का सेंटर तो सेम ही है तो एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया एक का रेडियस आर है और एक का टू आर है मैंने यहां से इसको ज्वाइन कर दिया ये जो पॉइंट होगा ये आपका जेड नॉट वाला पॉइंट होगा अब अगर मैं इसको इस तरह से कट कर दूं तो यहां से दो ट्राइंगल्स आपको बन जाएंगे एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये

टू टाइम्स ये हो जाएगा फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ जेड नॉट जाएगा अपॉन अल्फा बार का मैग्नीट्यूड अब हम जानते हैं कि अल्फा बार का जो मैग्नीट्यूड होगा वही अल्फा का मैग्नीट्यूड होगा तो यहां से ट्वाइस ऑफ मॉट जेड नॉट जो है वो हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस का आर स्क बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा टू जेड नॉट से टू जेड नॉट कैंसिल हो चुका है

प्लस का वन माइनस फोर टाइम्स आर स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर ये इस तरह से दिखाई देगा ठीक है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय टू और प्लस का वन प्लस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये फिर से बनेगा आपका आर स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर और सही बात है आर स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड प्लस ये प्लस का वन माइनस फोर टाइम्स आर स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर अब देखिए जो जो क्वांटिटी कैंसिल हो रही है यहां से कैंसिल कर दीजिए ऑफ अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया वन से ये वन भी कैंसिल हो गया आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर डेट इज माइनस आर स्क्वायर बाई टू बचेगा एल एच एस में और यहां पर क्या बचेगा आर स्क्वायर चलो देख लेते हैं क्या बचेगा ये बचेगा आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू राइट और एक बचेगा माइनस फोर आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर राइट आर स्क्वायर सब जगह से कैंसिल हो गया तो माइनस हाफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर बाई टू और माइनस का ही हो जाएगा फोर टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर तो माइनस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस एट टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू सेवन टाइम्स माइनस सेवन टाइम मैगनीूट ऑफ अल्फा का स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा के के बराबर बराबर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा आ जाएगा सी कौन सा आंसर है सी ऑप्शन तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका वन बायट सेवन मैंने पहले ही भी बोला आपको इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैं बता देता हूँ इस तरह से ट्राई करके देखिएगा भाई दोनों एक ही बात है अब यहाँ पे मैंने अल्फा पुट किया तो क्या बनेगा लेटर हम देखते हैं यहाँ पे अल्फा माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर बनेगा

क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Z2 टू हाँ मतलब ठीक है Z2 ही रहने दो आपने रोटेशन पढ़ा होगा तो रोटेशन में क्या पढ़ा था कि अगर मैं इस तरह से लिखा तो Z1 को मैं अगर थीटा टू डिग्री एंगल से रोटेट करा दूंगा तो मुझे Z2 मिल जाएगा आप समझ पा रहे हैं इस बात को क्या बोला मैंने इफ आई रोटेट Z1 वन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विदल ऑफ थीटा टू आई विल बी गेटिंग जेड अच्छा एक चीज और इन सब का मैग्नीट्यूड सेम आएगा जवाब होगा ई तो होगा? होगा. E की पावर आयटा थीटा टू तो इसका ऑलरेडी वन है इसका वन है तो उसका भी वन आ जाएगा तो सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे अच्छा जेड थ्री निकालोगे तो वो आएगा जेड टू ई की पावर आयोटा थ्री तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप निकालोगे यहाँ पे जो दिए हुए सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हां ऐसे लेके कहां तक जाएगा ऑबवियस सी बात है टेन तक जाएगा तो z10 जो जाएगा वो किसके बराबर आएगा z0 z9 e की पावर ठीक थी, आयोटा थीटा 10 के बराबर राइट right? तो ये सारे के सारे एक सर्कल पे लाई करेंगे दिस ऑल विल लाइ ऑन अ सर्कल अच्छा इसका मतलब क्या हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ z2 z1 मैग्नीट्यूड ऑफ z3 z2 से लेके मैग्नीट्यूड ऑफ z10 z9 और फिर z1 z10 अब आप ध्यान से देखिएगा ये पूरे दस मॉडल है टेन मॉडल का सम है क्योंकि टू से स्टार्ट होकर टेन तक जा रहा है फिर वन वाला है और ये लेस देन इक्वल टू टू पाई हमें पी स्टेटमेंट के बारे में बताना है अगर मैं आपसे सर्कल पे बात करूं जैसे ये सर्कल है ठीक है देखिएगा अगर मैं बोलूं आपका z1 वन यहां पर है और z2 टू यहां पर है तो दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट डिफरेंस है वो कितने का है थीटा टू का क्योंकि z1 को मैंने थीटा टू एंगल से रोटेट कराया तो मुझे z2 मिला ठीक है बहुत सिंपल सी बात है अच्छा ये क्या है, is this? This is डा, दे, है पे करेगा, तो रेडियस भी वन है इसकी तो अगर मैं एल इज इक्वल टू आर इन टू ठीटा अप्लाई करता हूँ रेडियस वन है और ये आपका थीटा हो गया तो एल किसके बराबर आएगा ऑब्वियस बात है के। और मुझे एक बात पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली जो डिस्टेंस है मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन जो आर्क लेंथ है उससे तो छोटा आएगा इसका मतलब कितना है? थीटा टू यानी मैं इसकी जगह एल की जगह थीटा टू पुट कर लूं चलेगा बहुत सिंपल चीज है देखो यार बहुत सिंपल तरीके से अपन बता रहे ये थीटा टू आ जाएगा सही बात है ऐसे ही अगर मैं यहां से बात करूं सिमिलरली z3 minus z2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू थीटा थ्री आ जाएगा और ये चलता रहेगा इस तरीके से अगर मैं सबको ऐड कर दू मैं सबको ऐड कर दू तो सबको ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा बताओ आप सबको ऐड करने से मुझे मिलेगा पी स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ z2 टू माइनस जेड वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड थ्री माइनस से लेके फाइनली ये जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस

दोनों के बीच के अगर मैं डिफरें की बात करूं तो ये Z1 था यानी वाले को अगर मैंने टू, टू एंगल से रोटेट किया तो मुझे Z2 मिल जाएगा कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो मेरे पास एंगल थे ना पहले जो मैंने लिखा था वो बिल्कुल सही था मतलब अब मैं जो लिखूंगा ना वैसे लिखूंगा अल्फा टू माइनस अल्फा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यहाँ क्या लिखा था यहां पर

ट्राइंगल इन क्या कहती है बच्चों के दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने क्या पढ़ाया इसके बारे में दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्राइंगल इन क्या कहती है ट्राइंगल इन कहती है कि मैगनीटूट ऑफ जेड वन प्लस टू मैग्नीट ऑफ मैगनीटूट ऑफ जेड वन माइनस मैग्नीूट ऑफ जेड टू ठीक है ऐसे अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन को तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई जेड प्लस हाफ बनाने की कोशिश करो

मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू मैगनी टूट ऑफ जेड प्लस अल्टीमेटली है ऑलरेडी तो तो सवाल में कि इसका वैल्यू वन के बराबर है तो उसको वन पुट कर दिया एंड इज लेस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस हाफ एंड प्लस का थ्री बाय फोर तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस हाफ इज कुछ गड़बड़ हुआ क्या? चेक कर लेना। स्क्वायर स्क्वायर करा क्या हमने? सॉरी, पे स्क्वायर आएगा। This will be square. Why a square? क्योंकि दोनों को ब्रेक करेंगे ना अलग अलग तो स्क्वायर आएगा वहां तो इसका स्क्वायर तो magnitude of z प्लस हाफ का जो वैल्यू है वो ग्रेटर टू आएगा वन बाई फोर स्क्वायर का

सॉरी लेट्स मूव अहेड कहा गया अब हमें बात करनी है मॉड जेड लेस देन इक्वल टू टू की हमें बात करनी है मॉड जेड लेस देन इक्वल टू टू तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर One, इस पूरे का मैग्नीट्यूड सही बात है है लिख सकते हैं इसको दो पार्ट 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 में ब्रेक कर एक एक ये ये रहा रहा और एक रहा। इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है कि है, तो z z और का का जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड का वैल्यू जो है वो जीरो से लेके टू के बीच में जाएगा ठीक है इसमें फिर से हम अप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा जाएगा यह मैगनीटर प्लस टू मैगनीट होगा बात है तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू टू तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड इसका वैल्यू माइनस टू से टू जाएगा सही बात है

चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है बी और सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बी भी, भी सही हो जाएगा ठीक है लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल क्या है जे एडवांस 2023 में पूछा हुआ सवाल है ए वन ए टू ए थ्री से लेके एट विद वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन दैट लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस टू लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड लेट पी ए डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ए आई ठीक है ना यहां पर पी ए आई आएगा ए का वैल्यू वन टू तो, थ्री फोर से लेके एट तक जा सकता है पी वैर ओवर द सर्कल द मैक्सिम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट पी ए वन इन टू पी ए टू से लेके पी ए एट तक ठीक है बच्चो अब इसको सॉल्व करना है आपको अब मुझे ये बताइए आप लोग के, आ, हम ड्रॉ करते हैं पहले देखते हैं ए वन ए टू बी दट इज ऑफ अगुलर ऑक्टागन लाई सर्कल ऑफ रेडियस टू ठीक एक सर्कल है जिसका रेडियस टू के बराबर है एक सर्कल है जिसका रेडियस टू के बराबर है और ए वन ए टू पे लाई कर रहे रेगुलर ऑक्टागन है, है। मान लेते हैं यहाँ पे ए वन है यहाँ पे कहीं पे ए टू है इस तरीके से हमने पॉइंट मान लिया ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन एंड दिस इज ए

इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि ये आठ रूट होंगे z की पावर एट इज इक्वल रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता था, था अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में है जैसे टू है सर्कल की रेडियस टू है तो रूट टू ओमेगा और टूमेगा स्क्वायर हो जाता था जैसे यहाँ पे भी रेडियस टू है पर एट रूट ऑफ यूनिटी क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं जेड की पावर एट इज इक्वल टू टू की पावर एट यानी जेड की पावर एट माइनस टू की पावर एट इज इक्वल टू करिएगा कि जेड के रूट क्या क्या है ये सारे रूट है और अगर मैं यहां से आपसे बात करूं पी कहां पे लाई कर रहा है सर्कल पे लाई कर रहा है पी अगर सर्कल पे लाई कर रहा है मतलब जेड पे लाई कर रहा है तो इसका मैं ऐसे लिख सकता हूं जेड की पावर एट माइनस टू की पावर एट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ए वन को जेड माइनस लेके ये आएगा जेड माइनस बिल्कुल सही बात है और यहां पर अगर मैं येड क्या है वस ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैग्नीटूट ले लो तो मैग्नीटूट ऑफ जेड की पावर एट माइनस टू की पावर एट इज इक्वल टू मैग्नीटूट ऑफ जेड माइनस जेड वन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस से लेके ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ़ लेकेट ठीक है अब इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है है ना और वहां पे अगर इसको कैलकुलेट करना है तो एक तरह से आपका क्या बन गया पी ए वन इन टू में पी ए टू से लेके ये आपको दिखाई दे रहा है पी ए एट और ये आ रहा है जेड की पावर एट माइनस टू की पावर एट तो मुझे एक बात बताओ कि z की पावर एट माइनस टू की पावर एट इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z की पावर एट प्लस टू की पावर एट आएगा सही बात है सही बात है कि नहीं बताओ और मॉड ऑफ z मतलब सेंटर से उसका डिस्टेंस यानी मॉड z किसके बराबर है टू के बराबर होगा क्योंकि P जो आएगा हमेशा P सर्कल पे लाई करेगा p अगर सर्कल पे ही लाई करेगा इसका मतलब क्या है कि वो भी वैल्यू एट के बराबर टू के बराबर होगी तो टू की पावर एट प्लस टू की पावर एट इज का मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आएगा पांच सौ बारह के बराबर आएगा ठीक है बच्चों तो इसका सही जवाब होगा फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व

क्या कर सकते हैं बच्चों में, समझ में आ रहा है। हमने मॉड को कॉमन निकाल लिया तो ऐसा दिखाई देगा जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा और कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से यह भी हो जाएगा जेड अपॉन मैग्नीट ऑफ जेड प्लस का आयोटा इस तरह से दिखाई देगा आप समझ पा रहे जेड अपॉन जेड मॉड मतलब जेड अपॉन मोडलस ऑफ जेड माइनस आयोटा बराबर होगा मॉडल ऑफ जेड अपॉन जेड का मॉडल प्लस आयोटा इसका मतलब ये हुआ सबसे पहली बात तो मैंने आपसे पूछा कि अपॉन का कितना आएगा तो क्या है ये यूनी मॉडुलर है दिस इज यूनी मॉडुलर इसका मॉडल वन के बराबर आ रहा है दूसरी बात ये

तो z will lie on the perpendicular bisector of the line joining z1 and z2 इसका मतलब ये हुआ कि z upon mod z जो है वो lie करेगा किस पे परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ iota एंड -iota इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि z upon मॉडुलस ऑफ z की बात की जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा इसका वैल्यू प्लस माइनस 1 टाइप आएगा तो इसका मतलब z प्लस माइनस मॉड z टाइप का होगा इसका मतलब z अगर प्लस माइनस मॉड z टाइप का आ रहा है z को होना पड़ेगा। देख लेते एक बार। लेतेमेजिन्री पार्ट ऑफ z को जीरो पार्ट ऑफ z माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा यह भी सही बात होगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट बात की तरफ द सेट ऑफ पॉइंट मॉड ऑफ z प्लस फोर बी पार्ट को देखते हैं यहां पे दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड प्लस फोर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस फोर इसका वैल्यू टेन के बराबर है तो आपने देखा होगा कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है टेन और वो क्या है ए बी से बड़ा है ए पॉइंट से बड़ा है इसका मतलब अगर ये ए बी से बड़ा हो रहा है तो जेड का जो लोकस है ना जेड का जो लोकस होगा वो क्या होगा लोकस इस एलिप्स। जहां पे टू ए का वैल्यू जो है टू ए वो एट के बराबर होगा और टू ए बराबर टेन होगा तो ए का वैल्यू तो फाइव आ जाएगा और e का वैल्यू आ जाएगा 4 by 5, अगर मैं a को 4 by 5, सही बात है और क्या हो सकता है उसका मॉडल आप देख लीजिए यहाँ पे आ, क्या बोलते हैं हाँ ये बात एलिप्स की और क्या क्या बता सकते हैं बताइए सेट ऑफ पॉइंट ऑफ मॉट जेड इज लेस देन इक्वल टू थ्री मॉट जेड इज इक्वल टू थ्री चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ बी का पी ही ऑप्शन है और कोई मैच नहीं कर रहा है और पी ऑप्शन कर गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं सी पार्ट पे सी पार्ट में क्या दिया हुआ है सी पार्ट में उमेगा इज इक्वल टू टू इफ सी पार्ट में है मैग्नीटूडावल टू टू ऐसा दिया हुआ है Z is equal to W minus one upon W. तो अगर मैं W की बात करूं तो ये हो जाएगा टू टाइम्स इसको मैं ले सकता हूं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ W जो है वो टू के बराबर है तो W क्या हो सकता है टू कॉस थीटा प्लस टू आयोटा साइन थीटा सही बात है कि नहीं क्योंकि टू को बाहर निकालोगे तो W ऐसे ही लिखा हुआ है इज इक्वल टू टू टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा उसका मैग्नीट्यूड टू ही आएगा तो अगर मैं z की बात करूं तो w का मतलब हो जाएगा टू कॉसा प्लस टू आयोटा साइन थीटा माइनस वन अपन डब्ल्यूट इज टू टाइम प्लस आयोटा साइन जाएगा z इज इक्वल प्लस टू आयोटा साइन थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस का हाफ और ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन ठीटा कॉसा माइनस आयोटा साइन थीटा तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड विद ये हो जाएगा थ्री बाई टू थीटा और यह हो जाएगा आपके पास प्लस क्या -क्या तो, हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू फाइव बाई टू साइन थीटा हो जाएगा कंपेयर कराने से तो यहां से आपको मिलेगा टू एक्स बाई थ्री का होल स्क्वायर टू एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू कॉस्ट हिटा

<coughs> सॉल्व कर लीजिए आई थिंक ये फोर बाई फाइव ही आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी फोर बाय फाइव ठीक है नाइन बाय फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी कैंसिल हो जाएगा फोर से फोर ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव तो ई e का वैल्यू यहां से फोर बाय फाइव के बराबर आ रहा है e ई का वैल्यू फोर बाय फाइव आ रहा इसका सी भी 4 by 5 आ C option है सी ऑप्शन है पी एस और टी देखते पी ऑप्शन मैच कर रहा है

तो इसमें को अलग कर लेना बेटा बाई फोर साइन स्क्वायर थीटा तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू टू से बड़ी है और मैक्सिमम की बात सही बात है सही बात है बिल्कुल सही बात है तो ये वाला भी सही बात है और नेक्स्ट अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं ओमेगा का मैग्नीट्यूड वन है तो जेड प्लस अब कर लेंगे शायद z z तो का वैल्यू कितना आ आ जाएगा जाएगा यानी और सही बात है तो यहां से z का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा डेट टर्न्स आउट टू बी टू थीटा इसका मतलब इमेजनरी पार्ट तो पहला पार्ट तो जीरो हो जाएगा और भी बहुत सारी चीजें मैच कर जाएंगी आप मैच करवा के देख लेना मैग्नीट्यूड ऑफ जेड भी आपका थ्री से छोटा आ जाएगा ठीक है ना टी भी सही हो जाएगा और क्यू तो ऑलरेडी सही हो रहा है आर और एस में क्या है आर सेट ऑफ पॉइंट इमेजनरी पार्ट लेस देन इक्वल टू वन इमेजनरी पार्ट आ नहीं रहा क्योंकि वो टू कॉस्ट थीटा से टू कॉस्ट थीटा के बराबर आ रहा है तो इमेजनरी पार्ट भी जीरो आ रहा है और इमेजनरी पार्ट जीरो इमेजनरी पार्ट लेस देन वन है रियल पार्ट टू से छोटा आएगा बिल्कुल सही बात है क्योंकि टू कॉस्ट थीटा आ रहा है तो कॉट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू वन के बराबर होता है सो आई थिंक होल मैच द कॉलम इज सॉर्टेड ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला सवाल क्या है बेटा अगला सवाल है आपका ये मैंने पहले भी कहा था कि मैच द कॉलम का मैं वन ऑफ द पार्ट बताऊंगा ये पूरा मैच द कॉलम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर नहीं था पर इसका एक वन ऑफ द पार्ट था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पे आप इसको ध्यान से देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू पहली बात तो देखिए मॉट जेड इजोल्ड वन दिया हुआ है यानी जेड एक सर्कल पे लाई कर रहा है हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है इसका तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ वन माइनस जेड ऐसे लिखा हुआ है

तो मैक्सिमम कितना आ सकता है मैक्सिमम नाइन्टी आएगा उसके बाद ही कम होता जाएगा इस तरीके से आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट कितना आ सकता है मैक्सिमम पाई बाई टू ही आ सकता है दोनों वैक्टर्स के बीच के अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो मैक्सिमम जो आ सकता है वो 90 डिग्री ही आ सकता है उससे ज्यादा नहीं आ सकता तो डी का जो है वो टी पार्ट ही सही होगा और कोई पार्ट सही नहीं होगा तो डी का टी पार्ट है ना मैं केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा ठीक है ना नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भाई वन माइनस जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे है ठीक है uh, सर्कल पे है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें कौन सा पार्ट बताते हैं पार्ट C पार्ट में बोला थ्री माइनस थ्री ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मैं लिख लेता हूं थ्री माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर थ्री माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर थ्री ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर सॉरी थ्री माइनस थ्री ओमेगा थ्री माइनस थ्री ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस टू ओमेगा स्क्वायर पूरे की पावर फोर एन प्लस थ्री नेक्स्ट क्या है माइनस थ्री प्लस टू ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर पूरे की पावर फिर से फोर एन प्लस थ्री है और ये जीरो के बराबर बहुत अच्छा पार्ट है मतलब आप मान के चलिए कि ऐसे सवाल के रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा अगर आप ध्यान से देखेंगे ओमेगा प्लस का टू ओमेगा स्क्वायर पूरे का पावर कितना है फोर एन प्लस थ्री इसको अगर देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ओमेगा का क्यू प्लस थ्राइस ऑफ ओमेगा माइनस थ्राइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर पूरे का पावर ये हो जाएगा फोर एंड प्लस थ्री प्लस मैं पहले ही बोल रहा हूँ इसमें केवल एक ही सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा फर्ज था कि 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी सवाल पूछे गए में वो सारे आपको बताने तो मैंने मैथ्स द कॉलम का अगर सिंगल पार्ट भी है तो उसको भी लिया आपके सामने ये इस तरह से लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थ्री माइनस थ्री ओमेगा प्लस का टू ओमेगा स्क्वायर पूरे का पावर फोर एन प्लस थ्री है यहां से हमने ओमेगा कॉमन निकाला तो ओमेगा की पावर फोर एंड प्लस थ्री कॉमन आएगा अंदर बचेगा ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस का थ्री माइनस थ्री ओमेगा वॉट विल हैपन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप देखिए टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस सेम बन गया यहां से मैं क्या कॉमन निकालू कि मेरा पहला वाले पार्ट जैसा बन जाए तो थ्री बनाना है मुझे तो ओमेगा स्क्वायर बाहर नहीं निकलेगा ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लें चलो ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालते हैं और देखते हैं माइनस का थ्री ओमेगा बन जाएगा और प्लस का टू बाय ओमेगा देख लेते हैं एक बार अगर मैंने एक मिनट अगर मैंने ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला तो ओमेगा स्क्वायर की पावर फोर एन प्लस थ्री बाहर आएगा तो अंदर कितना बनेगा वो देखना है मुझे माइनस का थ्री ओमेगा बनेगा बन रहा है ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला तो टू बाय ओमेगा जाएगा और प्लस का थ्री आएगा यहाँ पे पूरे का पावर फोर एन प्लस थ्री डेट इज इक्वल टू जीरो टू ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ टू ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई कर ले ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर से multiply, से मल्टीप्लाई डिवाइड तो टू ओमेगा स्क्वायर पूरे का पावर फोर एन प्लस थ्री और यहाँ पे बचेगा वन प्लस की पावर फोर एन प्लस थ्री प्लस ओमेगा की पावर फोर एन ओमेगा स्क्वायर की पावर फोर एन प्लस थ्री अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जीरो होना चाहिए इसको ध्यान से देखिए इस पर फोकस करें तो वन प्लस ओमेगा की पावर फोर एन इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकता हूं उसका वैल्यू है प्लस इसको लिखूंगा ओमेगा की पावर एट एन प्लस ओमेगा की पावर सिक्स मतलब ओमेगा की पावर एट एन इंटू ओमेगा की पावर सिक्स ओमेगा की पावर एट एन कितना होगा वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा ओमेगा की पावर सिक्स वन हो जाएगा इसको देखिए ध्यान से ये आप ऐसे बोल सकते हैं क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं सुनिएगा ध्यान से के वन प्लस ओमेगा की पावर फोर एन है और ओमेगा स्क्वायर की पावर फोर एन है मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज पे मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज पे पावर रेस किया फोर एन जरा ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको देखिएगा मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे पावर रेस कर दिया फोर एन और ये मैंने आपको वॉल्यूम वन में बताया था कि जब भी हम पावर रेस करते हैं अगर वो पावर थ्री का मल्टीपल बन जाती है तो इस पूरे का वैल्यू थ्री आएगा अदरवाइज इसका वैल्यू जीरो आएगा अब जैसे मैंने यहां पे पुट किया पर लेटेस्ट एन का वैल्यू वैल्यून पुट किया तो ओमेगा की पावर फोर फोर एन थ्री का मल्टीपल नहीं बनना चाहिए यानी जो भी आपने पावर रेस करी है वो थ्री का मल्टीपल नहीं बनना चाहिए अगर वो बन रहा है तो उसका वैल्यू जीरो आएगा यानी इसका पी ऑप्शन सही आएगा अगर मैंने आर को टू पुट किया मतलब एन का वैल्यू टू पुट किया एन का वैल्यू टू पुट करने से ये एट बन रहा है ये भी 8 बन रहा है ये नहीं हो सकता मतलब ये होगा सॉरी इसी से तो जीरो मिलेगा हमें क्या करना है भाई LHS को जीरो बनाना है तो ऐसे पॉइंट ढूंढने तो ये भी सही ऑप्शन होगा अगर मैंने थ्री ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा थ्री नहीं हो सकता थ्री का तो कोई मल्टीपल हो ही नहीं सकता थ्री का कोई मल्टीपल नहीं हो सकता उसके अलावा सब हो सकता है यानी एस भी सही है और टी भी सही है तो इसका मतलब पी आर एस टी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है ना पी एक मिनट आर नहीं आएगा क्यू आएगा सॉरी पी क्यू आर पी क्यू एस ऑटी बिल्कुल सही है पी क्यू एस टी करेक्ट आंसर ठीक है लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल क्या है सेट रियल पार्ट ऑफ इसमें भी एक ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से ये वाला क्वेश्चन ए पार्ट जिसको हम सॉल्व करेंगे रियल पार्ट ऑफ टू आयोटा जेड रियल पार्ट ऑफ टू आयोटा टा जेड डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है स्क्वायर स्क्वायर और क्या क्या बातें बोली गई है

डिवाइडेड बाय इट विल बी वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ टू थीटा राइट यह हो जाएगा टू आयोटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस टू थीटा इज टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस इट विल बी आयोटा इट विल बी टू साइन थीटा इन टू माई कॉस थीटा ठीक है बच्चों अब यहां से टू साइन ठीटा कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा टू आयोटा इंटू कॉस ठीटा माइनस प्लस आयोटा साइन ठीटा हमने टू साइन ठीटा यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो ये हमें दिखाई देगा साइन थीटा हमने क्या किया बेटा साइन थीटा टू साइन ठीटा कॉमन निकाल लिया तो साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस ठीटा दिखाई देगा टू से टू कैंसिल आयोटा को अंदर ले जाओ तो यह आ जाएगा आयोटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और नीचे से माइनस साइन थीटा माइनस कॉमन निकालो लो तो यह जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा तो ये क्वांटिटी आपस में कैंसिल हो गई तो हमारे पास बचा क्या माइनस वन अपॉन साइन थीटा ही बचा हमारे पास माइनस वन अपॉन साइन थीटा ही बचा हमें पता है कि साइन थीटा का वैल्यू माइनस वन से वन तक जाता है तो माइनस थीटा का वैल्यू भी माइनस से वन के बीच में जाएगा नेवरदलेस अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दू माइनस वन अपॉन साइन का तो क्या होगा हम माइनस वन से वन के बीच में जा रहे हैं तो बीच में जीरो तो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन क्लोज यूनियन वन से लेकर अगर माइनस साइन थीटा जीरो से वन के बीच में जा रहा है माइनस साइन थीटा अगर जीरो से वन के बीच में जा रहा है

जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि माइनस टू से लेके एक्स का वैल्यू टू तक जा रहा है तो मैंने पूछा वन बाई एक्स कहां से कहां तक जाएगा तो योर आंसर विल बी बी टू टू क्लोज यूनियन से लेके शुड मच क्लियर आंसरिटी बात सबको क्लियर होना चाहिए ध्यान रखिएगा इस बात का तो इसका जवाब जो हो जाएगा जरा देख लेते हैं हमारा कौन सा पार्ट था ए पार्ट था ए पार्ट का आंसर एस के बराबर आ रहा है तो क्या ए पार्ट का आंसर एस के बराबर है डेफिनेटली माइनस इन्फिटी से माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी क्लियर है बच्चों चलिए तो बस मैंने आपको वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने आई आई के पी वाई के पूछे गए वो सारे मैंने आपको बताया एट लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा इफ़ यू वॉन्ट समथिंग यू नेवर हैड देन यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन अच्छे से फॉलो कीजिएगा सारे सवालों में बहुत सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इन डेप्थ सारी बातें मैंने आपको बताई है जितना रिक्वायरमेंट था तो डेफिनेटली आप अच्छे से सारी चीज़ों को देखेंगे और ये एलन के ऐप के बारे में आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से ठीक है So, chalye. thank you so much, everyone, for patience. Thank you, everyone. Have a good day. Bye bye. Take care.